दोस्तों, आज के वीडियो में जानकारी देंगे फैजाबाद जंक्शन के बारे में और यहाँ पर जो चार अलग दिशाओं से रेलवे रूट आ रहा है, साथ ही तीन रेलवे रूट चालू है और एक नया कंस्ट्रक्शन रेल लाइन जो बन रहा है, इन चारों रेलवे लाइन के बारे में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फैजाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में आता है और इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है नॉर्थन रेलवे, जिसका डिवीज़न है लखनऊ चार भाग। तो चलिए जानते हैं जो तीन अलग दिशाओं से रेलवे रूट आ रहा है और एक नया कंस्ट्रक्शन बन रहा है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फैजाबाद से जो ये रेलवे लाइन जा रहा है, ये जा रहा है अयोध्या की तरफ। अयोध्या से जो ये रेलवे लाइन देख रहे हैं, जो जा रहा है रामघाट हाल्ट की तरफ, ये जा रहा है मनकापुर की तरफ। और अयोध्या से जो ये रेलवे लाइन इधर जा रहा है, ये जा रहा है वाराणसी की तरफ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फैज़ाबाद से अयोध्या का रूट। फैज़ाबाद से जो ये रेलवे लाइन इधर निकल रहा है, ये जा रहा है सुल्तानपुर जंक्शन मसौधा वाला। यह जो है सिंगल लाइन है और इस पर कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीफाइड का काम किया जा रहा है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये जा रहा है सुल्तानपुर जंक्शन। वापस से हम लोग चले हैं फैज़ाबाद। फैज़ाबाद से जो ये रेलवे लाइन सलार पुल वाला जा रहा है, ये जा रहा है बाराबंकी लखनऊ की तरफ। और ये रेलवे लाइन जो है, इसको डबलिंग किया जा रहा है, साथ ही इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है। फैज़ाबाद से जो ये लाल वाला जो आप देख रहे हैं, ये अकबरगंज होते रायबरेली को रेल लाइन जोड़ेगा। ये नया कंस्ट्रक्शन रेल लाइन बन रहा है फैज़ाबाद से। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इस रूट के। ये अकबरगंज स्टेशन है। अकबरगंज से जो है ये रेलवे लाइन लखनऊ जा रहा है, इधर सुल्तानपुर होते हुए वाराणसी जा रहा है। ये अकबरगंज वाला ये रेल लाइन को क्रॉस करके, यानी अकबरगंज को जो है जंक्शन बनाया जाएगा। और इस होकर के जो है ये रेलवे लाइन नया वाला, ये आपको जा करके रायबरेली जंक्शन में मिल जाएगा। रायबरेली में जो है ये प्रतापगढ़ होते वाराणसी जा रहा रेलवे लाइन जगाई होते और इधर लखनऊ जा रहा है। ये आपको समझ में आ गया होगा फैज़ाबाद का नया रेलवे लाइन और फैज़ाबाद से अयोध्या वाला रूट। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक बार फिर।